अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, उसका डिटेल, और इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, और साथ में कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स हम जानते हैं, लेकिन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना, यानी x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लिखना, वो फिर कहलाएंगे कम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देख लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई, तो x एंड y ये तो हम जान गए कि नंबर्स हैं, बट कैसे नंबर हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ये आयोटा जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ये आयोटा जो है, ये मैथमेटिशियन आयलर ने इंट्रोड्यूस करवाया, और कब, 1748 में, जब आयलर ने आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया और इसी को एक मखसूस फॉर्म दिए हैं, तो तब इसके बाद एक कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ये एक्स जो है, इसको रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये रियल पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, और आयोटा वाई जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है आप कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसको बस यहाँ तक जानना है कि रियल पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसकी हम डिटेल से पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ पढ़ेंगे। अब ये टू कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं जेड वन से। जेड वन इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो पहले हम कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। ठीक है, तो इनकी एडिशन कैसे होती है, जेड वन प्लस जेड टू, तो जेड वन की कीमत है 5 प्लस 4 आयोटा प्लस जेड टू की कीमत है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको ऐसे ऐड किया जाता है कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। तो रियल रियल के साथ ऐड कर लें तो 5 प्लस 2, और इसके बाद प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, यानी 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 7 आयोटा, ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम कर लेते हैं दूसरे नंबर पे सब्ट्रैक्शन। उसके तरीकेकार यही इसी तरीके से हैं कि रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। सो जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, ये माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 3 आयोटा। सो जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन भी हो गई। इसके बाद हम कर लेते हैं थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन। ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो जेड वन डॉट जेड टू इज इक्वल टू, जेड वन है 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई जेड टू है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, वो इस तरीके से कि 5 मल्टीप्लाई करने होगा 2 से, यानी पहले नंबर से 2 क्रॉस 5 10 बनता है, फिर इसी नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस 15 आयोटा बनता है, फिर इसी नंबर को पहले के साथ बनता है 8 आयोटा, फिर इसी को
इसी के साथ 12 अयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अयोटा, यहाँ पर भी अयोटा, तो अयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। सो 10 प्लस 15 अयोटा एंड 8 अयोटा, तो ये 23 अयोटा हो जाएगा, प्लस 12, और ये हमने पहले नहीं बताया, अयोटा स्क्वेयर आपने जान लेना है को माइनस वन के इक्वल होता है। और दूसरी बात, अगर इसी के ऊपर आप अंडर रूट ले लें, ठीक है, तो ये कैंसल और अयोटा इक्वल होगा मनफी वन अंडर रूट का, ये बात भी आपने याद रखना है। तो अयोटा स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे माइनस वन, ठीक है। सो 10 प्लस 23 अयोटा माइनस 12, तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस 12, ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2 प्लस 23 अयोटा, यही ये है इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब कर लेते हैं 4 नंबर पे डिवीजन, यानी Z1 डिवाइड बाई Z2, तो इसी तरीके से इनकी कीमतें लगा लेंगे, 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 अयोटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीकाकार यह है कि नंबर जो हैं इनको रेशनलाइज करना होगा, 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 अयोटा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3 अयोटा है तो 2 माइनस 3 अयोटा के साथ ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में, तो इसके बाद क्या बनेगा, उसी तरीके से। अब ये मल्टीपल में है, इसका रिजल्ट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो आया था हमारे पास माइनस 2 प्लस 23 अयोटा डिवाइड बाई, अब इसको हम एक अल्जेब्रिक फार्मूले के साथ खोल लेते हैं, यानी यह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये a हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, तो ये माइनस 2 प्लस 23 अयोटा डिवाइड बाई 2 का पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर जो है ये 3 के ऊपर है तो 9 हो जाएगा, अयोटा के ऊपर है तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, मनफी 2 प्लस 23 अयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 9 है और अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, सो माइनस 2 प्लस 23 अयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 23 अयोटा डिवाइड बाई 9 प्लस 4 13, ठीक है। तो आखिर में जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह कि माइनस 2 डिवाइड बाई 13 प्लस 23 बाई 13 साथ में अयोटा, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इसकी डिवीजन भी हो गई। अब पढ़ने वाले हैं कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, यानी कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे होता है। सो लेट दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, हमने ये पढ़ा कि ये x प्लस अयोटा वाई फॉर्म होता है, ठीक है। तो कंजुगेट ये याद रखना, कंजुगेट इससे ज़ाहिर होता है, यानी इस बार से, तो इस साइड से बार ली है तो इस साइड से भी ये होगा, मतलब कंजुगेट होगा। तो कंजुगेट का ये तरीकाकार है, लेट कंजुगेट इज इक्वल टू कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, ठीक है, तो ये फिर कंजुगेट हो जाता है, या फिर उसे कंजुगेट कहलाता है। अब इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव 3 अयोटा है, तो ये हम नेगेटिव 3 अयोटा करके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस नंबर का कंजुगेट हो गया। अब इसी को मैं ग्राफिकली समझाता हूँ तो बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो ये है एक्स एक्सिस एंड ये है
वाई एक्सेस। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस अयोटा वाई, यानी ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है जो एक्स हैं, जो एक्स की कीमत है मतलब टू, ये इसके ऊपर होगा यानी एक्स एक्सेस, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया। ठीक है, इस तरह ये थ्री। अब आगे, तो अब वाई के ऊपर ये वन, ये टू एंड ये थ्री हो गया। ठीक है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर में टू प्लस थ्री आयोटा है, मतलब ये है कि एक्स की कीमत जो है वो टू है, एक्स की कीमत तो टू है, वाई की कीमत क्या है वो थ्री है, मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि टू प्लस थ्री आयोटा है। ठीक है, इसको यहां से मिला लेते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारे पास। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या किया है, कंजुगेट ली है, यानी z बार इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है, टू माइनस थ्री आयोटा आ गया। अब इसी कंजुगेट को हम ग्राफिकली ड्रा करते हैं यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, टू माइनस थ्री आयोटा मतलब टू वही है, इसका साइन चेंज हुआ है, माइनस थ्री आया है, तो इस तरीके से ये माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री, टू तो वही है ये वाला, और माइनस थ्री भी है, वाई की कीमत माइनस थ्री आई हुई है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको भी साथ मिला दे। अब आप देख सकते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर कंजुगेट की सबसे बेहतरीन मिसाल यह है कि ये बंदा दरिया के किनारे जा रहा है और नीचे उसका अक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका कंजुगेट हो जाता है, तो कंजुगेट ओरिजिन से दूसरी तरफ दिखाई देता है, तो यह है सबसे बेहतरीन मिसाल कंजुगेट का।